हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में बेटा हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस के मोल, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल में आपस में क्या रिलेशन होता है कि मोल है तो मास में कैसे चेंज करेंगे, मास को मोल में चेंज कैसे करेंगे, मास को नंबर ऑफ पार्टिकल में, नंबर ऑफ पार्टिकल को मास में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया था। और ये बात जो की थी मास, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का, ये किसी भी थ्री स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फिजिकल स्टेट के लिए अप्लाई हो सकता था, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो गैसियस स्टेट होती है, कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में है तो उस गैसियस स्टेट का अमाउंट बताने की एक और यूनिट है, एक और तरीका है, एक दूसरा मेथड भी है जो कि मास, मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल के अलावा आप किसी भी गैस का अमाउंट उसके वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास CO2 गैस है, तो CO2 गैस के लिए आप कह सकते हो कि इसका 10 ग्राम लिया गया था या इसके x मोल लिए गए थे, या आप बोल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, a या कितने कितने मॉलिक्यूल है। तो इन तीनों तरीकों के अलावा एक चौथा तरीका भी है इस CO2 के अमाउंट को बताने के लिए, और वो चौथा तरीका है कि आप इसका वॉल्यूम बता दो कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो इस लेक्चर में हमको यही देखना है कि किसी गैस का अमाउंट हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कैसे बताते हैं, और जो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग अमाउंट बताते हैं उस वॉल्यूम का मोल से, मास से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या रिलेशन होता है। क्लियर है? तो ये रिलेशन जानने के लिए गैस की प्रॉपर्टीज का जो भी हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन होता है, गैस की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करती हैं, और ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे गैसियस स्टेट चैप्टर में, बट अभी आपको ये समझना है कि PV is equal to nRT, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग किसी गैस की जो मिजरेबल, मिजरेबल मतलब मेजर करने योग्य जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में इस इक्वेशन से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमको जानना है कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में जो नोटेशन है पी वी एन आर और टी, ये क्या है। तो पी है बेटा इस गैस का प्रेशर, प्रेशर आपको पता ही है, प्रेशर की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो एटमॉस्फियर है। गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि गैस जहां भी होती है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, और ये प्रेशर आता क्यों है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जिस भी कंटेनर में रखे गए हैं
उस कंटेनर की दीवार से कंटिन्यूस कोलिजन करते हैं, कोलिजन की वजह से फोर्स लगता है और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। जैसे इस समय इस कमरे में, इस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी गैसें हैं वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर। कितना है प्रेशर? जितना प्रेशर है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी इस समय 1 एटमॉस्फियर है, या इसी को आप दूसरे यूनिट में बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। परेशान नहीं होना, अभी ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। क्या है ये सर? या इसको एमएम में बोलो तो 760 एमएम ऑफ एचजी। तो ये है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पी हो गया। वी क्या है बेटा? यहां पे वी है वॉल्यूम ऑफ गैस। और मैं इसी चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में ये गैस रखी गई है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एन क्या है बेटा? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि आपने कितने मोल गैस के लिए हैं। और आपको अब तक तो पता ही हो गया कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके नंबर आप मोल निकालने हैं तो कितना वेट या मास लिया गया है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। आर क्या है बेटा? आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है ये? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जब ये इक्वेशन डिराइव करते हैं तो इसमें ये आर कांस्टेंट आता है और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। ये सिर्फ यूनिट पे डिपेंड करती है कि आपने वॉल्यूम की यूनिट क्या रखी है, टेम्परेचर का यूनिट क्या रखा है, प्रेशर का यूनिट क्या रखा है। अगर इनको आप फिक्स कर देते हो तो आर की वैल्यू फिक्स हो जाती है। जनरली इसकी जो वैल्यू यूज करते हैं हम लोग वो होता है 0.0821 एटमॉस्फियर या लीटर एटमॉस्फियर मोल माइनस वन केल्विन माइनस वन, ठीक है। टी क्या है बेटा? ये गैस का टेम्परेचर है और इसको रखा जाता है केल्विन, ठीक है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में जितने भी आपने सिंबल यूज किए हैं इनका मतलब है। अब आपको देखना है कि वॉल्यूम में और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन होता है। तो चल करते हैं। तो V बराबर हम लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी, ठीक है। यानी कि अगर आपने आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो यहां से आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। और आपने किसी गैस का नाम नहीं रखा, आइडियल गैस होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, और भी कोई भी गैस हो, आइडियल होनी चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लो कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक। तो पी टू एल आर टी पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ इसमें रिलेशन निकालें। हम चाहते हैं कि एन बराबर एक मोल गैस लें, फिर टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर रखें
नॉर्मल टेम्परेचर रखें और नॉर्मल टेम्परेचर दिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में 273 केल्विन, और प्रेशर कितना ले 1 एटमॉस्फियर ले। तो देखना बेटा इन दोनों कंडीशन को जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फियर हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फियर या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमें 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो N=1 रख दें। किस टेम्परेचर पे निकालना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे निकालना है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 होता है। हमको इस फार्मूले में टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में रखनी होती है, तो 273 रख दें। प्रेशर कितना रखना है, 1 एटमॉस्फियर रखना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये आइडियल गैस कोई भी हो सकती है, कोई भी आइडियल गैस है, उसका 1 मोल लिया, टेम्परेचर और प्रेशर को नॉर्मल रखा, मतलब टेम्परेचर को रखा 273 केल्विन और प्रेशर को रखा 1 एटमॉस्फियर। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, V बराबर हो जाएगा NRT अपॉन P, और इस फार्मूले में N 1 मोल के लिए लिखना है, R की वैल्यू रखेंगे 0.0821, टेम्परेचर रखेंगे 273 केल्विन और प्रेशर रखेंगे 1 एटमॉस्फियर। तो रखे देखो 1 × 0.0821 × 273/1, और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाता है 22.4 लीटर। तो क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया बेटा? एक जनरल कंक्लूजन निकला कि नहीं कि 1 मोल एनी आइडियल गैस का अगर आप STP पे वॉल्यूम निकालते हो तो वो होता है 22.4 लीटर। क्लियर? अब कोई भी गैस हो, आइडियल होनी चाहिए, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, STP, तो आप 1 मोल उसका लेंगे तो 22.4 लीटर होगा, और इसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का STP पे जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? तो एक आइडिया हमको ये भी मिल गया बेटा, क्या कि कोई भी आइडियल गैस है STP की कंडीशन में होगा, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एनी आइडियल गैस एट STP, तो 1 मोल बराबर होगा 22.4 लीटर। इसी को हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। 1 मोल 22.4 लीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या 22400 mm,
या इसी को बोलते हैं 22400 cc, ml मिलीलीटर, cc सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपने उस गैस के मोल और वॉल्यूम में भी रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। एक मोल 22.4 लीटर होगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए। पहली बात, इस चीज को यूज करते समय ध्यान रखना बेटा कि ये फार्मूला कि एक मोल 22.4 लीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22400 ml या 22400 cc, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए अप्लीकेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस गैस का जो कंडीशन होना चाहिए वो एसटीपी का होना चाहिए। अगर एसटीपी के अलावा दूसरी कंडीशन है तो फिर आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से वी बराबर एनआरटी अपॉन पी रख के निकालना पड़ेगा कि एसटीपी के अलावा कोई और कंडीशन है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब अगर आपने एक मोल का वॉल्यूम निकाल लिया तो दो मोल का निकाल सकते हो, तीन मोल का निकाल सकते हो, दस मोल का निकाल सकते हो, हजार मोल का निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो ये होगा 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। या इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। दो चीजें, गैस और एसटीपी भूलना नहीं। अगर ये भूले तो आपको क्वेश्चन में बार बार ये कंफ्यूज करेंगे और गलत आंसर आपसे निकलवा के आपके क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो इस तरह से किसी गिवन वॉल्यूम में एसटीपी पे आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है जो आप प्राइमरी से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिवाइड करते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और कैसे निकालना है, वॉल्यूम से निकालना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 224। अब ये 224 लीटर में है तो गैस का वॉल्यूम भी किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर गैस का वॉल्यूम लीटर में ना देके एमएल में दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एमएल में है तो फिर इसको भी 22400 ml, फिर 22400 ml से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। चल तो अब हमारे पास मोल निकालने के तीन फार्मूले आ गए बेटा, ध्यान करो। मोल बराबर काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला, मोल बराबर गिवन नंबर अपॉन मोलर नंबर, और यही है Na 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है। एंड थर्ड वन इज
अभी जो निकाला मोल बराबर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम भी फिक्स होता है 22.4 लीटर, ठीक है। अब इन तीनों फार्मूलों से हम लोग एक जनरल फार्मूला याद रखेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि बेटा मोल बताओ, तो मोल का एक ही फार्मूला है गिवन गिवन गिवन, तो जो कुछ दिया हुआ है मोल निकालने के लिए उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर से, तो मोल बराबर होगा गिवन अपॉन मोलर। अब गिवन तीन चीजें हो सकती हैं, मास हो सकता है, नंबर हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है, तो मोलर भी मास हो जाएगा यानी कि मोलर मास हो जाएगा, नंबर मोलर नंबर यानी कि एन ए हो जाएगा, और वॉल्यूम तो मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला फार्मूला है ये सॉलिड के लिए भी अप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए अप्लीकेबल है और गैस के लिए भी अप्लीकेबल है। इस फार्मूले से आप किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस के मोल उसके गिवन मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड फार्मूले से भी आप सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर एंड अवगाड्रो नंबर, एंड इन केस ऑफ थर्ड इक्वेशन आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये थर्ड वाला सॉलिड के लिए अप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए है, और गैसियस स्टेट के लिए भी कब एसटीपी के। क्लियर बोलो बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तरीका आ गया कि किसी भी सब्सटेंस का उसके मास से, उसके नंबर से, और अगर गैस है तो उसके वॉल्यूम से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, आपको करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड है 6.25 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी पी, ठीक है। थर्ड है बेटा मास दे दिया, चलो 3.01 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें 18 ग्राम ऑफ H2O, ये है लिक्विड, ठीक। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ml ऑफ H2O लिक्विड, और अगला है 18 ml ऑफ H2O वेपर एट STP। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझसे बात करेंगे, ठीक। चलो अब इसके बाद हमने आपको पिछले क्रम में कहा था कि हम अब किसी गिवन मास से नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, और गैसियस है तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी के साथ कुछ और टर्म है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सारी चीजें और भी कई चीजें हैं, कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप एक कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल लो और उसी से सब कुछ हम लोग डील करेंगे। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो और सुनो, समझो। जैसे मान लो हमने अमोनिया सेलेक्ट किया NH3 और इस अमोनिया का हमने 17 ग्राम लिया और इस 17 ग्राम अमोनिया जो कि STP के कंडीशन में है तो इससे रिलेटेड आपसे कितनी चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला तो यही पूछा जा सकता है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। अगला क्वेश्चन एक ही था, उसी से सब कुछ आप पूछ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो सकता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछिए या सिर्फ प्रोटॉन पूछिए या सिर्फ न्यूट्रॉन पूछिए या इनका सम पूछ ले, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। फिर पूछा जा सकता है कि इसका लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कितने हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि इसका STP पे वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन आपसे दिया गया कि 17 ग्राम अमोनिया है तो इसमें नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, नंबर ऑफ टोटल एटम बताओ, नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, बॉन्ड पेयर बताओ, लोन पेयर बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बताओ। ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये कुछ इस तरह से है बेटा कि सपोज करो, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लो तुम्हारी अपनी बॉडी है, तुम एक कंपाउंड हो, एक मॉलिक्यूल हो और तुम्हें बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं। जैसे मान लो दो हाथ तुम्हारे एक एलिमेंट हो गया, दो पैर दूसरे एलिमेंट हो गए, दो आंखें एक और एलिमेंट हो गए, 32 दांत एक और एलिमेंट, तो इस तरह से। अब हमको अगर एक मॉलिक्यूल यानी कि एक तुम्हारे अंदर टोटल नंबर ऑफ हैंड्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ आईज, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ हार्ट, टोटल नंबर ऑफ टीथ, ये अगर पता चल जाए एक आदमी के अंदर तो आप 2, 4, 10 हजार या 10 हजार के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो ये सारी चीजें हमको करना है। हम अब ये सब चीजें जानने के लिए आपको इसका डिसेक्शन करना होता है, तो अमोनिया का डिसेक्शन कर लो जरा। अमोनिया NH3 ये है ना बेटा अमोनिया, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है,
एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है और तीन हाइड्रोजन के एटम है। तो अभी आपने इसका पहला डिसेक्शन किया कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए भैया हमें एक नाइट्रोजन का एटम चाहिए और तीन हाइड्रोजन के एटम चाहिए। पहला डिसेक्शन हो गया। दूसरा डिसेक्शन करो कि एक नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन एलिमेंट है, रिप्रेजेंट करते हैं 7, 14, तो एक नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे और बाय चांस न्यूट्रॉन भी कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1, 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। और ऐसे तीन हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व हुए हैं अमोनिया को बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में आएंगे वो एक में जितने हैं उसके 3 times हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने डिसेक्शन कर दिया तो इस डिसेक्शन के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या पहले एटम की बात करो, चलो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, तो कितने बेटा 3 हैं हाइड्रोजन के और एक है नाइट्रोजन के, तो टोटल हो गए 4। और आपको याद हो तो ये 4 अमोनिया की क्या कहलाती थी, एटॉमिसिटी, क्या कहलाती थी, एटॉमिसिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमने डिसेक्शन किया था तो देखा था कि एक नाइट्रोजन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, और तीन हाइड्रोजन की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली प्रोटॉन कितने होंगे गिन लेते हैं, डिसेक्शन किया था तो देखा था कि एक नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 7 और तीन हाइड्रोजन की वजह से प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 3, तो टोटल हो गए 10। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, फिर वही नाइट्रोजन की वजह से 7 और हाइड्रोजन की वजह से 0, तो न्यूट्रॉन हो गए 7। तो आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया एक के अंदर। तो ऐसे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हो तो कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो भाई कितने हो जाएंगे, एक में जितने हैं उसके डबल हो जाएंगे, 3 में 3 गुना 3 times, 100 में 100 times, 1 मोल में इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिया तो फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा तो ये तरीका था। अब हम आपको एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी पे बनाना, आप फुल स्केप कॉपी बनाना, हाफ पेज पे नहीं बनाना। देखो भाई कोई भी सब्सटेंस है तो मान लो उसका मास दिया है, क्या दिया बेटा मास, उसके
वॉल्यूम दिया है अगर वो गैसियस है तो, एक क्या दिया है मास कितने ग्राम है, वॉल्यूम दिया है। तीसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इन तीनों को रिलेट करना है किससे, मोल से। ठीक, तो पढ़ चुके हैं मास से मोल निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, मोल से मॉलिक्यूल निकालना है। हमें पता है एक मोल में एन नॉट होते हैं, तो जितने मोल में निकालना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए या एन नॉट से। अगर गैसियस है, देखो बेटा वॉल्यूम वाला फिर मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ गैसियस स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है। एक मोल में 22.4 लीटर होता है या 22400 ml होता है या 22400 cc होता है या 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो दो मोल में इंटू टू जितने में कर निकालना है मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब रिवर्स जाना है, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जाना है, तो एन ए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल में जाना है, रिवर्स गए, मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स डिवीजन एन ए, मास से मोल में जाना था तो डिवाइड किया, मोल से मास में आना है, रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल से वॉल्यूम में आना है मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से मोल में जाना है डिवाइड कर देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, अब इतनी चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब देखा हमने कि अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हमने क्या एग्जांपल लिया था, अमोनिया का, अमोनिया की एटॉमिसिटी 4, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम है, तो 2 में इंटू 2, 10 में इंटू 10, 1000 में इंटू 1000, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको पता है उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर उल्टा जाना है तो डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो अभी आपने क्या किया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हर एटम के वजह से जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और रिवर्स में चले जाएंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे किसी चीज से।
ठीक है। इसके अलावा हमने आपको दो चीजें और बताई हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये भी ऐसे ही निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन वन मॉलिक्यूल, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, और रिवर्स जाने के लिए डिवाइड कर, ठीक है। जैसे हम लोग फिर वही लेके चलते हैं, अमोनिया का ही एग्जांपल, इसको कॉपी पे बना लेना और फिर इसके बाद हम लोग अमोनिया का एग्जांपल लेके चले। सपोज करो बेटा कि हमारे पास 17 ग्राम अमोनिया है एट एसटीपी, 17 ग्राम अमोनिया हमने लिया एसटीपी पे, अमोनिया NH3 मोलर मास 17 ग्राम, तो 17 ग्राम लिया है। किसी भी सब्सटेंस का मास अगर उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, जो कि इसी केस में है, तो ये कहलाएगा एक मोल, यानी कि एक मोल अमोनिया आपने ले रखी है, ठीक है। जैसे 17 ग्राम अमोनिया बोला, हमने चेक किया ये इसके मोलर मास के बराबर है, और कोई भी सब्सटेंस अगर मोलर मास के बराबर लिया गया है तो वो एक मोल कहलाता है, ठीक। दूसरी बात, कोई भी सब्सटेंस अगर एक मोल है तो उसमें उस सब्सटेंस की संख्या 6.023 × 10³ होती है, मॉलिक्यूल है, तो एक मोल में 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में NH3 टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के, 4। तो 17 ग्राम अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 17 ग्राम मतलब इतने मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 4 × 6.023 × 10³ एटम्स, और ये एटम्स टोटल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के, ठीक। अगर आपसे टोटल ना पूछ के अलग अलग पूछे, पहले नाइट्रोजन का पूछ ले, तो एक मॉलिक्यूल में एक है तो दो में दो होंगे, दस में दस है, इतने में इतने ही होंगे, तो हो जाएगा 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, इन्होंने कहा नहीं हमें हाइड्रोजन का बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, इंटू 3, तो 3 × 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। इन्होंने पूछा कि वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे, तो एक मोल है, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर या 22.4 decimeter cube या 22400 ml भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वजह से 7 और 3 हाइड्रोजन के वजह से 3, तो टोटल हो गए 10। एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा
10 × 6.023 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 7 × 3·10, तो प्रोटॉन भी इतने ही मिलेंगे। हाँ, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर 10 ना होके कितना हो जाएगा, 7 × 6.023 × 10⁻³ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा। और अगर आपने 17 ग्राम में नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, मॉलिक्यूल एटम्स, वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो और बच रहा है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इसको हम एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वो भी हम बता देंगे, बट इतना आपको समझ में आ गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। अब देखो, हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास मास है तो मास से मोल निकालेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास से, और मोल से मास निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोल से गैसियस का वॉल्यूम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके 2.24 लीटर से, और वॉल्यूम से मोल निकालेंगे डिवाइड करके 4 लीटर से। मोल से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके एमए से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकाल सकते हैं डिवाइड बाय एमए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एटॉमिसिटी, और अगर टोटल नंबर ऑफ एटम दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी मैंने आपको बता दिया था कि एक मॉलिक्यूल बनाने में जितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वही नंबर उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सिमिलरली आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो ये मैंने दोबारा इसलिए बनाया कि आपसे मास देगा और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ। ठीक है, तो ये रास्ता है मास से टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, पहले आपको गिवन मास से जाना पड़ेगा मोल में। कैसे जाएंगे, जो मास दिया है जिस भी कंपाउंड का है उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल आ जाएगा, उसमें एन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई गैसीय सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम दिया हो, पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, तो वॉल्यूम से मोल में जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल में जाएंगे, मॉलिक्यूल से टोटल नंबर ऑफ एटम। हो सकता है कि मास दिया हो और पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। ठीक है, इसे क्वेश्चन लिखो और करके बताना मुझे कि 18 ग्राम वाटर है अपने पास, तो 18 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है,
थैंक यू।